घर में और अपने सबसे पहले भी पपीते के बीज हमें लगाए थे और अभी मेरे पास मैं दो पपीते लेके आई थी। इनको फंगस लग रही है क्योंकि 4 दिन हो गए इस पपीते को तो पड़े पर किसी मेरे बहन भाई ने काटा नहीं। अब मेरी बहनों ने बोला कि इसकी कट तो लाओ, आई एम गोइंग टू कट इट। सबसे पहले मैं लूंगी यहाँ से कटर, ये देखें। सो गाइस पानी नहीं लगा था तो ये कोई इतने बड़े साइज के नहीं हुए और जल्दी पक के गिर गए। इसको ये है कि पानी पपीते को रबी कुमा तू कजीबा तुम है तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। फ्रेश पपीता था तो मैंने कहा इसके बीज निकालूं, ये इसके बीज है अंदर और मैंने कहा इसके सीड निकाल के तो वो मैं लगा दूंगी आज। अब प्रिजर्व नहीं करना, मैंने लगाने। सो ये मैंने कट कर लिया, अब मैं इसको मजीद कटिंग करके फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा होने के बाद फिर हम खाएंगे पपीता। कटिंग कर रही हूँ, अच्छा कट करना कोई इतनी रॉकेट साइंस कट करना भी नहीं है, मुझे वैसे बहुत मज़े के लगते हैं ये चीज़ें। अच्छा घर का फ्रूट हो तो उसके मज़े ही कुछ होते हैं। ये भी यार वो देखें, और मैंने डिफरेंट शेप में इसकी कटिंग कर दी, कुछ गोल काटे हैं, कुछ लंबे से काटे हैं और कुछ किस तरह सीधा काटे हैं। मैं इनको रख लेती हूँ ठंडा होने के लिए और फिर खाएंगे हम लोग। ये लगाने लगे हैं पपीते के बीज, तो ये मेरी बहन का हाथ है, ये मेरा हाथ है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर हमने पैर लगाए हैं, ये देखें इसी क्यारी में मैंने सारा कुछ। अच्छा ये सारी चीजें ना असल में इकट्ठी करके रखी है प्रिजर्व करके, अब जब इसमें से हम लोग जमीन में लगाएंगे ये सारी, ये स्टॉक सॉल्यूशन नहीं, ये सारी पनीरी है हमारी और बाद में इस पनीरी को उठा के हम लोगों ने आगे लगा देना है, तो ये भी बड़ा काम होता है वैसे। अच्छा ये मेरी बहन जो है लगा रही है, यहाँ पर मेरी बहन जो है वो जमे ने ऐसे नहीं ना कटना लगाओ। हाँ ये देखे ये पपीते के पुराने बीज जो मैंने शायद किसी को भेजे भी है, तो ये अंदर से वाकई ये जमेंद है लेकिन फिर हम लोग दुबनियाए लगाएंगे। अब हमारे पास बीज नहीं है, हमें क्या जरूरत है पुराने बीजा ने मोल पहने नहीं, तो इन बीज को सोख नहीं करना क्योंकि ये अभी भी उसमें से निकले हैं, पौधे में से निकले हैं। ठीक है ये मेरी बहन तोड़ के इसको देखने लगी है। अब देखिए इस शरीर के नाहन थे बड़े बड़े और गंदे हुए हैं, फिर आप लोग बोलोगे नाहन गंदे मिट्टी जत पाओ नाहन गंदे होने, ये भी कोई बड़ी गल नहीं। अब तो थोड़ी सी कंपोस्ट पाओ, वैसे ये कंपोस्ट ऑलरेडी है लेकिन मैं थोड़ी सी जो है ये वाली कंपोस्ट लेना पसंद करती हूँ। पत्ते भाई पत्ते, ये देखें ये अभी मेरी बहन डालेंगे, देखा ये मिक्सचर आप करके डालें ना 50-50% तो थोड़ा फिर कोई जो है वो। हाँ अभी डालने लगी इसमें और बीज, अच्छा बीज से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बीज से पौधा बनाना एक बहुत बड़ा काम है। कुछ लोग कहते हैं नर्सरी वाले जो हैं वो बड़े महंगे बूटे देने, बूटे महंगे इससे देने के बूटे और मेहनत बड़ी होनी। हाँ बूटे और मेहनत बड़ी होनी, समझो 10 तुसा की बीज को देना कुछ चीजा ने उस एक या दो जमसी बाकी सारे साथ रह जाने, तो इसलिए जो है ये पौधे जो होते हैं पानी डालते हैं। हाँ। पानी भी यही गार्डन में पापा ने रखा हुआ, ये रखा और साथ पानी निकालने वाली चीजें भी रखी है, ये पापा ने पानी रखा हुआ है पानी काटने वाले। पानी में मछलियां भी हैं, पानी में काली मछलियां छोटी हैं अभी, वो फार्म में डालेंगे हम बड़े वाले। ये देख बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा नमी डालनी होती है उसमें बड़ा, तो ये बात है कि इस बात पे ओके ना हुआ करें नर्सरी वालों की, मैं इस बात पे थोड़ा वो करती हूँ कि एड्डे भी सस्तियां चीजा नहीं होनी जो लोग आने की सस्ता, तो ये देखें। अच्छा ये अब देखें ये सीड जो है सारे नहीं निकले, इसमें तो निकल गया, ऐसी कुछ भी नहीं है, इसी चीज मैंने इतने अच्छे सीड लगाए थे ऐसी चीज एक, तो ये है कि ये सीड में से पौधा उगाना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम।